मेरे समक्ष आकर इतना दुस्साहस करने वाले कौन हो तुम ऋषि? इस ऋषि को कहां देखा है मैंने? ऋषि ऑर्व, जिन्हें हमारे असुर सैनिक बंदी नहीं बना पाए, और जब भी हमारे सैनिक इनके आश्रम पहुंचे तो इन्होंने उन्हें भस्म कर दिया। तो ये है वो प्रसिद्ध ऋषि जिसे हमारे असुर बंदी नहीं बना पाए, क्योंकि अपनी शक्ति से ये उन्हें बार बार भस्म कर रहा था। इसे अपनी कुटिल नीति से बरगलाना होगा। ऋषि ऑर्व, मैंने तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाई, उत्तेजित नहीं किया, फिर तुम क्यों मेरे कार्य में हस्तक्षेप करने चले आए इन मूर्खों के साथ? निर्दोषों को कष्ट पहुंचाकर तुमने उत्तेजित किया है मुझे। इतना दुस्साहस कैसे किया तुमने? अपना स्वर ऊंचा करने की दुष्टता मत करो ऋषिवर, इसी में तुम्हारी सुरक्षा है। तुम कितना भी प्रयास कर लो पर हमें कोई क्षति नहीं पहुंचा पाओगे। माँ आदि शक्ति का वरदान है हमें। माँ आदि शक्ति के वरदान से प्रबलता प्राप्त की है तुमने, तो मेरा शाप तुम्हें निर्बल बना देगा। मैं ऋषि ऑर्व दारुक और उसके असुरों को शाप देता हूँ कि यदि वो पृथ्वी पर ऋषियों मुनिजनों संतों और देवताओं के साथ हिंसा करेंगे, उन्हें कष्ट पहुंचाएंगे अथवा उनका वध करेंगे, तो उसी क्षण उनकी मृत्यु हो जाएगी, उनकी मृत्यु हो जाएगी, उनकी मृत्यु हो जाएगी। कर सकते, वो माँ आदि शक्ति है और उनके वरदान की शक्ति तुम नष्ट नहीं कर सकते, वो तुम्हारी भी आराध्य है। और मैं हूँ माँ का परम भक्त, परम भक्त, परम भक्त। माता, आपने उन असुरों को वरदान दिया और आपके वरदान के विपरीत ऋषि ऑर्व ने उन्हें श्राप दे दिया। मेरे ही भक्त ने मेरे ही वरदान को एक स्थिति में बांध दिया। ये थी एक भक्त और भगवान की लीला। और उसमें विजय किसकी हुई माता? निर्दोष पीड़ितों की रक्षा करने वाले भक्त की, अथवा आसुरी भक्तों को संरक्षण प्रदान करने वाले भगवान की? ऋषि ऑर्व के श्राप ने हमें एक और अवसर दिया था जिसका समुचित लाभ उठाने का हम सभी ने निर्णय लिया। योद्धा को अवसर प्राप्त हो तो उसे चूक नहीं करनी चाहिए। ऋषि ऑर्व के श्राप से शक्तिहीन हो गए हो तुम दारुक। निरीह निर्दोष ऋषियों को बंदी बनाने चले थे ना तुम, उन्हें प्रताड़ित कर अपना दास बनाना चाहते थे, किंतु अब और नहीं। तुम्हारे इस दुष्कृत्यों के दंड स्वरूप मृत्यु के भागी अवश्य बनोगे तुम। कर्म जो भी करेगा तू पड़ेगा भोगना भरना। ये कैसे संभव है? मैं देवी आदि शक्ति द्वारा रक्षित हूँ, इस ऋषि का शाप मुझे कैसे कैसे क्षति पहुंचा सकता है? नहीं। अरे वहां खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? आगे बढ़ो, कोई शक्ति नहीं है इस ऋषि के शाप में, कुछ अनिष्ट नहीं कर सकता हमारा। ये देवता हमको इसके नाम से भ्रमित कर रहे हैं, डरा रहे हैं, कुछ नहीं होगा। आगे बढ़ो, आक्रमण करो, कुचल डालो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। मेरी रक्षा अवश्य होगी, ऋषि ऑर्व का तपोबल मेरी रक्षा करेगा। इंद्रदेव, मैं तुम्हें धूल दूषित करूंगा। इंद्र के वज्र उठाए बिना ही मेरे प्रबल योद्धा का अंत हो गया। प्रचंड शक्ति है इस वृद्ध ऋषि के शाप की, इसका आरंभ तो हो गया है,
अर्थात हम किसी ऋषि और देवता को क्षति नहीं पहुंचा सकते हैं। दारुक, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। देवराज इंद्र का कथन सत्य तो नहीं हो जाएगा, मुझे हाथ करने में सफल तो नहीं हो जाएंगे ये देवता। देवगण, मैं इस तुष्ट तारुक से निपटता हूं। आप सभी बंदी ऋषियों को मुक्त कराइए। सुनो, हट जाओ हमारे मार्ग से। आइए। इंद्र तो मेरी ओर पड़ रहा। माँ, ये कैसी दुविधाजनक परिस्थिति है। हम युद्ध करें तो ऋषि और के शाप से हमारा अंत होगा, और युद्ध न करें तो ये देवता हमारा अंत कर देंगे। अब क्या करें हम। माँ, आपने वचन दिया था कि आप मेरे और आप मेरे असुर समुदाय की रक्षा करेंगी। अपना वचन निभाइए माता, अपना वचन निभाइए। दारुक, तुम्हें तुम्हारे अपराधों का दंड अवश्य मिलेगा। अंत होगा तुम्हारा। ये क्या, माता आदि शक्ति ने पुनः इसके चारों ओर रक्षा कवच उत्पन्न कर दिया। मुझे क्षमा कीजिए माता, आपके वरदान के विपरीत जाकर मैंने इन असुरों को शाप दिया। किंतु माता, मैं विवश था। इन दुष्ट असुरों द्वारा इन निर्दोष ऋषियों को और प्रताड़ित होने नहीं दे सकता था मैं। हमें क्षमा कर दीजिए माता, क्षमा कर दीजिए। अपना वचन पूर्ण करने के लिए और हमारी रक्षा करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद माता।
पुत्री दारुका, तुम्हारी रक्षा करने का वचन मैंने निभा दिया, किंतु ऋषि औरव का श्राप अभी भी स्थिर है। क्या स्थिर है माँ? स्थिर है, स्थिर है। ऋषि औरव का श्राप की पत्थर में खिंची रेखा है, स्थिर है माँ। हाँ, स्थिर है दारुका। मैं कवच बनकर सदा तुम्हारी रक्षा करूंगी, किंतु यदि तुमने, तुम्हारे पति ने या तुम्हारे समुदाय ने किसी भी ऋषि अथवा देवता पर आक्रमण किया, उन्हें क्षति पहुंचाने का प्रयास किया, तो वो असुर स्वतः अपनी मृत्यु का भागी बनेगा। अरे क्या माँ, ये कैसा अन्यायपूर्ण अनुचित कथन है आपका? आप सर्वोच्च शक्ति हैं, आप आदिशक्ति हैं, आपका वरदान अकाट्य है। अरे ऐसे तुच्छ से ऋषि का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता उस श्राप पे। आप क्या कह रही हैं माँ? मूर्ख दारुक, मूर्ख दारुक, मूर्ख दारुक। श्राप का प्रभाव तो होना ही था। अपने भक्त के श्राप को अशक्त करने का वरदान नहीं दिया था मैंने। जिस प्रकार मेरे प्रति अपनी भक्ति और तपस्या से तुमने अपना वरदान प्राप्त किया है, उसी प्रकार ऋषियों को कष्ट पहुंचाने के कारण मेरे परम भक्त ऋषि और से जो तुम्हें श्राप मिला है, वो भी तो तुम्हें ही भुगतना होगा। जो बोगे वही काटोगे, जो कर्म करोगे उसी का परिणाम तो भुगतोगे तुम। आपकी भक्त तो मैं भी हूं, और हमारा समस्त असुर समुदाय संकट में है माता। वहाँ एक और ऋषि का श्राप पाकर पूरे देवता हमारे अंत के लिए आतुर हैं, और दूसरी ओर मृत्यु के भय से आतंकित होकर भोजन रहित हम जीवित कैसे रहे माँ? इसलिए अब आप ही हमारा मार्गदर्शन कीजिए माँ, इस संकट से हम अपनी रक्षा कैसे करें? पुत्री दारुका, तुमने वरदान स्वरूप मुझसे एक वन मांगा था, जो मैंने तुम्हें प्रदान किया। वो वन समस्त साधनों से संपन्न है, उसका उपयोग करो, उससे भोजन प्राप्त करो। क्या वन का उपयोग करो माँ? अरे हम असुर हैं, मांसाहारी हैं, हम घास फूस खाएंगे, हम मांस खाने तो यहाँ आए थे माँ। आप अपनी परम भक्त को ये क्या सुझाव दे रही है माँ? देवगन, इन ऋषियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दीजिए, किंतु मेरी दृष्टि इस तुष्ट तारुक पर केंद्रित रहेगी। अवसर प्राप्त होते ही इसका अंत करूंगा मैं। पुत्री दारुका, जब तुम्हारे ऊपर आक्रमण होगा, तब मैं तुम्हारा कवच अवश्य बनूंगी, किंतु मैं स्थायी रूप से तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अपनी रक्षा का प्रयास तो तुम्हें भी करना होगा। वो देवराज इंद्र आक्रमण करने की ताक में है, यदि उसने स्वामी पर वार किया तो वो भी उसका उत्तर देने के लिए उस पर प्रहार अवश्य करेंगे, और तब ऋषि औरव के श्राप के प्रभाव से स्वामी का अंत हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? माता के प्रस्थान करते ही मैं अपना वार करूंगा दारुक। ये तो वही घटित होने लगा जिसकी मुझे आशंका थी। स्वामी ने अपने हाथ में खड़क उठा लिया। अब क्या करूं मैं?
पुत्री दारुका, तुमने वरदान स्वरूप मुझसे एक वन मांगा था जो मैंने तुम्हें प्रदान किया। वो वन समस्त साधनों से संपन्न है, उसका उपयोग करो। अब जहाँ तुम और तुम्हारा समस्त समुदाय जाएगा, ये वन तुम्हारे साथ जाएगा। समझ गई, अब यही एकमात्र उपाय शेष है। रुकिए स्वामी। ये क्या हो रहा है? ये वन इस भूखंड से विलप कैसे हो गया? ये वन तो उड़ गया, कदाचित मुझसे क्षणिक विलंब हो गया। यह आसुरी वन आकाश में कैसे चला गया? इति समाप्ति। देवराज इंद्र, हम असुरों का विधान है, हम पराजय से भी बहुत कुछ सीखते हैं और अवसर पाते ही पराजय को जय में परिवर्तित कर देते हैं। यह प्रसंग यहीं समाप्त हुआ है इंद्र, मगर हमारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए। हमारे लिए तो आरंभ है, तो इसी बात पर प्रतीक्षा करो। यदि साहस हो तो रुक जाओ असुरो। इस आरंभ को अंत में ना परिवर्तित कर दिया तो मैं भी देवराज इंद्र नहीं। अकस्मात ये वन कहां लुप्त हो गया? इसका अंत तो सर्वथा उचित था। दारुक और उसके असुर पृथ्वी छोड़ने पर विवश हो गए, अर्थात इस संसार को उनके आतंक से मुक्ति प्राप्त हुई, है ना? उचित ही कहा है ना गणेश ने। अंततः संसार मुक्त हो ही गया दारुक के अत्याचार से। अत्याचार से मुक्ति मिल गई? नहीं, ये किसने कहा कि दारुक दारुका और उसके असुर संसार से प्रस्थान कर गए? नहीं, क्योंकि दारुका ने अपने वन को सागर में स्थित कर लिया। वो दोनों सागर में वास करने क्यों चले गए माता? सागर में क्यों स्थित हो गए वो माता? बुद्धि का देवता है गणेश, तो अपनी बुद्धि का प्रयोग कर तो तुझे तुम दोनों के प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। मैं ऋषि ऑर्व दारुक और उसके असुरों को शाप देता हूँ कि यदि वो पृथ्वी पर ऋषियों मुनिजनों संतों और देवताओं के साथ हिंसा करेंगे, उन्हें कष्ट पहुंचाएंगे अथवा उनका वध करेंगे तो उसी क्षण उनकी मृत्यु हो जाएगी। हाँ माता, मैं समझ गया। ऋषि ऑर्व ने कहा था यदि दारुक और उसके असुर ने किसी भी ऋषि संतजन अथवा देवताओं को क्षति पहुँचाने का अथवा उनके वध करने का प्रयास किया तो उस असुर का अंत स्वतः हो जाएगा, इसलिए वो ऐसे स्थान पर चले गए जहां वो ऋषि ऑर्व के श्राप से सुरक्षित रह सकते थे और पुनः अपने आतंक का आरंभ कर सकते थे। वो दारुका, ये कहां ले आई हो? चारों तरफ जल ही जल है। वहां पृथ्वी पर सब कुछ प्राप्त करने का साधन था, भोजन था वहां। अरे मैं और मेरे असुर यहां शेष जीवन ये जल पिएंगे, मीन खाएंगे, मछली? हम शाकाहारी हैं क्या? हम मांसाहारी हैं दारुका? स्वामी, आपके जीवन की सुरक्षा करना मेरा प्रथम ध्येय है,
वहाँ पृथ्वी पर तो इन ऋषियों ने हमें स्थिर कर दिया था, ना तो हम उनका वध कर पाए थे और ना ही उन्हें अपना आहार बना पाए थे। अरे हमें ज्ञात है दारुका कि हम ऋषियों को आहत करते तो स्वयं आहत हो जाते, पर यहाँ क्या करेंगे, भोजन कहाँ है? चिंता मत कीजिए स्वामी, जीवित तो हम यहाँ पर भी रहेंगे और मात्र जल और मीन पर नहीं, केवल उन पर। ऋषि और के श्राप के कारण हम कदाचित देवताओं और अन्य ऋषि मुनियों को स्पर्श भी न कर सके, किंतु ये तो साधारण मनुष्य ही हैं। बहुत आनंद आएगा इन मनुष्यों को अपना आहार बनाने में। वरुण देव, दारुका अपना वन सागर में ले गई, जो आपका स्थान है, तो आप तो दारुका को वही बंदी बना सकते थे। आपका प्रश्न सर्वथा उचित है प्रथम पूज्य श्री गणेश। जल के देवता होने के उपरांत भी मैं उन्हें समुद्र में वास करने से नहीं रोक सका। किंतु वरुण देव, आप तो संपूर्ण जल के देवता है ना, क्या आपने इस स्थिति में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा? बारंबार अवसर मिलने के बाद भी कोई यदि सतमार्ग पर नहीं लौटता तो अपने ही पतन का मार्ग प्रशस्त कर लेता है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।